बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है नाज़रीन। पाकिस्तान में कतरी इन्वेस्टमेंट बहुत चल रही है आजकल, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स की बेसिस पर हों या मुल्क से मुल्क के ताल्लुकात की बुनियाद पर हों, लेकिन कतर की इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इधर आ रही है, गैस की सूरत में कह लें या और प्रोजेक्ट्स के हवाले से कह लें। लेकिन खलीजी ममालिक में जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसका कुछ ना कुछ असर पाकिस्तान पर भी आ रहा है, और पाकिस्तान ने जो नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने थे कतर के हवाले से उसमें कुछ ताखीर नज़र आ रही है। क्यों आ रही है और कतर इस हवाले से कितना बेचैन पाया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़, बहुत शुक्रिया राव साहब आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपने ज्वाइन किया। सुहेल साहब, ये एक तो कतरी और पाकिस्तानी जरूर बड़े करीब हो रहे हैं आजकल, भाई भाई हो रहे हैं, लेकिन ये सऊदी दबाव की वजह से पाकिस्तान अपने कारोबारी जो फायदे हैं या कतर के जो फायदे हैं वो क्यों पीछे करे, क्यों दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है? निका, कुवैत समेत चंदीगर ममालकों की कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब और कतर के दरमियान कोई मफाहमत का रास्ता नहीं निकल पा रहा। अब कतर को इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके जो मुआशी मफादात हैं दुनिया भर के ममालिक के अंदर, सऊदी अरब उन्हें ठेस पहुंचा सकता है, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे अगरचे कतर का कोई बड़ा इस वक्त वॉल्यूम जो है बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब तक जो पाकिस्तान जिन शुबों के अंदर कतर के साथ डील कर चुका है उन माहिदों के अंदर एक शिक ऐसी मौजूद है जिसे हम फोर्स मेजोर कहते हैं। सऊदी अरब के आयद किए गए इल्ज़ाम की रोशनी में पाकिस्तान उन माहिदों की जो शिक है फोर्स मेजोर अगर उन्हें इन्वोक कर दे तो दुनिया के दीगर ममालिक भी उसका एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, और कतर के लिए रातों रात बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यही वजह कि एक पांच रुकनी कतरी वफद पाकिस्तान पहुंच चुका है और उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात के साथ कुछ गैर रस्मी मुलाकातें हैं और कुछ शेड्यूल्ड मुलाकातें हैं। वजारत खारजा के कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं, वजारत खजाना के कुछ लोगों से की हैं मुलाकातें, वजारत पेट्रोलियम में भी वो गए हैं, गर्चे के वजीर पेट्रोलियम वहाँ मौजूद नहीं थे, अमरीका के दौरे पर थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम से भी मुलाकातें की हैं, स्टेट मिनिस्टर से भी की हैं, और अगले दो रोज़ के दौरान मजीद उनकी कुछ वजारतों के हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें तय होनी हैं। यहाँ पर कतरियों को सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा चैलेंज का सामना है, उन्हें कहीं से ये इत्तला मिली है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि जो इस वक्त एलएनजी की डील है और उसके साथ कतर के साथ जो पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर दो नए बड़े माहदे करने वाला था, एक 2.1 अरब डॉलर की कराची से लाहौर तक की पाइपलाइन की तामीर का माहदा था, जिससे मुतलिक हमने अपने प्रोग्राम में स्टोरी की थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक खत लिखा गया था कतर को जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान इस पाइपलाइन का माहदा तमीर का माहदा कतर के साथ बैनल हुकूमती बुनियादों पर करने को तैयार है और कतर इसके ऊपर अपना काम मुकम्मल करे। दूसरी जानिब कतर के साथ चंद 3 से 4 आलमी कंपनियां हैं, कंसोर्शियम कतर ने बनाया था चंद रोज कबल, वो पाकिस्तान के अंदर तीसरा एलएनजी का टर्मिनल तामीर करना चाहते हैं, वो सारा काम मुकम्मल हो चुका था, वो भी $1 मिलियन का मनसूबा है। अब वो दोनों मनसूबे पहले बहुत फास्ट ट्रैक पर काम हो रहे थे, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से वापस लौटे हैं तो हमें इज़राइल ने इस बात की तस्दीक की है कि जो एलएनजी की पाइपलाइन की तामीर का माहदा था और उसके साथ साथ टर्मिनल का माहदा था, उन दोनों मंसूबों के ऊपर पाकिस्तान के मुतलका इदारों ने काम रोक दिया है। जब तक सऊदी अरब और कतर के मामला ठीक नहीं होते पाकिस्तान उन दोनों मंसूबों के माहदों पर दस्तखत नहीं करेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान को सऊदी अरब की भी जानब से भी काफ़ी प्रेशर का सामना है। जो एग्जिस्टिंग एलएनजी की सप्लाई का मामला है $15 अरब का माहदा है, माहदे की क्लास के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब के कहने के ऊपर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कतर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जापान समेत दुनिया के 28 और ममालिक हैं, अगर पाकिस्तान ने इस क्लास को इन्वोक किया भले चंद दिनों को इन्वोक कर दिया तो कतर का जो अरबों डॉलर का दुनिया भर को एलएनजी की सप्लाई का मामला है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। दीगर ममालिक भी मुतालबा करेंगे कि आपके हालात स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान ने पहल कर दी है, लिहाजा हम आपके साथ इस मामले को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लिहाजा कतरियों ने पाकिस्तान की हुकूमती शख्सियात को और मुतलका वजारतों के हुकाम को आके कन्विंस किया है कि उनके पास सप्लाई का अल्टरनेट निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान उस एग्रीमेंट की क्लास को इन्वोक किसी सूरत ना करे, हम हर सूरत से आपके साथ तआवुन करने को तैयार है। अब गवर्नमेंट ने दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, उनका मामला जो जीएटी के अंदर तहकीकात का मामला है वो पीक पर पहुंचा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान को और हुक्मरान खानदान को, शरीफ खानदान को कतरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस केस ने बंद होना है या इसने आगे चलना है, ये शरीफ खानदान की इसमें उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर होना है, सारा इन्हेसार इस वक्त हो रहा है कतरियों की तआवुन के ऊपर। अब सऊदीज का प्रेशर भी बढ़ रहा है हुकूमत के ऊपर, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कतरियों की इस टीम को अब तक ये यकीन दहानी करवाई है
कि जो नए मुआहदे आपके साथ होने थे अरबों डॉलर के, वो हम नहीं कर सकते, वो मुस्तकबिल में आपके हालात बेहतर होंगे, दोबारा उनको उन पर काम किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है उसको हम किसी सूरत से कोशिश करते हैं वो कंटिन्यू करें, फोर्स मेजोर की क्लास को हम इन्वोक ना करें। अब बड़ा चैलेंज है शरीफ खानदान के लिए भी, उनकी कोशिश है कि जेआईटी के मामले के अंदर कतर की सपोर्ट हासिल की जाए और सऊदी अरब का जो प्रेशर है उसको डाइल्यूट किया जाए, कि कुछ अरसे तक इसको निगोशिएशन के अंदर डाल के। लेकिन पाकिस्तान का आखिरी बात, पाकिस्तान भी दूसरी जानब अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारे 3600 मेगावाट के पावर प्लांट वो एलएनजी के ऊपर चलने हैं और कतर के अलावा कोई और मुल्क हमें सूट नहीं करता जो फर्म बुनियादों के ऊपर हमें एलएनजी की सप्लाई कर सके इन तीनों पावर प्लांट्स से। अच्छा राव साहब, एक तो 99 में सऊदी एहसान, दूसरा कतरी खत का एहसान, ये तो हो गई पर्सनल बातें, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को दबाव और पर्सनल या जाती ताल्लुकात को बालाए ताक रखते हुए अपने इकोनॉमिक मुफादात को मेंटेन करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में होता हुआ हमें नजर नहीं आया। आपको लगता है इस बार पाकिस्तान के मुफाद को देखा जाएगा या फिर वही माजी की तमाम चीजें दोहराई जाएंगी? ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप रही है, चाहे सिविल थी चाहे मिलिट्री थी, वो एक फ़ोन कॉल पे लेट जाते थे। ये तो हुआ है हमारे यहाँ कि हमने अपना फ़ायदा नहीं देखा, हमने प्रॉपर असर्ट नहीं किया सिचुएशन को, उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं किया पूरा उसको देख के कि किस तरह सिचुएशन जा रही है। जहाँ तक कतर के साथ पाकिस्तान के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके हवाले से, एलएनजी की इम्पोर्ट समेत जितने भी माहदे हैं उनकी एक फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि किस तरह से ये ठेके हुए सारा। मैं इस बात के तो हक़ में हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुक्मरान कतर के साथ किसी किस्म का कोई इस ज्यादती या उस किस्म का फैसला नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली उसको ऑनर करना ना सिर्फ उन दो मुल्कों के दरमियान जिनके दरमियान होते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी उसको करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत सारी चीज़ें उसकी होती है और बड़े लीगल तरीके से प्रॉपर तरीके से वो किए जाते हैं। उसके ख़त्म करने के रिपरकशंस बहुत सीरियस हो जाते हैं, और अगर इस तरह से किए जाएँ कि सऊदी अरब के कहने पे हम करते, सऊदी अरब ने हमसे पूछ के कतर से ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए, तो हम सऊदी अरब के कहने पे कतर से अपने मामलात ख़राब कर ले, ठीक है आप ख्याल ज़रूर करें उनका, जो उनका ड्यू बनता है सऊदी अरब का उनको दें, जो कतर का ड्यू बनता है उनको दें, लेकिन ये कि उसमें पार्टी बन जाए अगर आप किसी तरफ उसकी बुनियाद के ऊपर कतर को टाइट करने के लिए कि कतर झुक जाए लेट जाए और वो मुतालबात मान ले जो उससे कई किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ से, ये मुनासिब नहीं होगा। और पाकिस्तान को इंटरनेशनल माहदों का एहतराम करना चाहिए, सऊदी अरब को भी करना चाहिए, सऊदी अरब को ये फोर्स नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को कि आप इस तरह से करें, और हमें भी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने मुफाद को देखते हुए कोई तो हो हुक्मरान जो पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखे और पाकिस्तान के मुफाद की बुनियाद पर फैसले करें। ठीक है, इल्जाम दोनों तरफ से लगेंगे, सऊदीया की बात माने तब भी 99 वाले इल्जाम लगेंगे, खतर की बात माने तो खत वाले इल्जाम लगेंगे, लेकिन यहाँ फैसला इस बुनियाद पर करना होगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए आने वाले वक्तों के अंदर क्या बेहतर है। नवाजने की बातें नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी को, किसी भी मुल्क को, और कंपनी और मुल्क की बात कर रहे हैं तो जरा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चीन की बात करते हैं। चीन को नवाजने की बड़ी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है सीपेक हमारे फायदे के लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चीन के नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के म्यूचुअल फायदे के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ जब टैक्स छूट दे दी जाए, अननेसेसरी टैक्स छूट दे दी जाए, तो फिर फायदा किसका होगा? एफबीआर इस चीज को बड़ा रिटेलिएट कर रहा है सोहेल साहब। अनिका, सीपेक के तहत 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के मुख्तलिफ मालियत के ऐसे मंसूबे थे जिन्हें इक्तिसादी राबता कमेटी पहले ही एफबीआर की मुखालफत के बावजूद टैक्सों की छूट दे चुकी है। ये मंसूबा है मटियारी से लाहौर तक ट्रांसमिशन लाइन की तमीर का, जो चीनी कंपनी तमीर कर रही है, 2 अरब 10 करोड़ डॉलर मालियत का ये मंसूबा है। पहले नेपरा से कोशिश की गई कि इसको टैक्सों के एग्जेम्पशन दिलवाई जाए, नेपरा ने दो टोक इनकार किया कि इससे पहले जो मुख्तलिफ कंपनियों को टैरिफ दिया गया है ट्रांसमिशन लाइन का, उन्हें कुछ ऐसी रियायतें नहीं दी गई, तो चीनी कंपनी को ये रियायत क्यों दी जाए? हुकूमत खुद अगर कोई रियायत देना चाहती है तो हुकूमत खुद दे। मामला ECC में आया, ECC के अंदर FBR ने इनिशियल स्टेज पर मुखालफत की थी कि पहले ही CPEC के मंसूबों को, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो का मंसूबा है और दीगर मंसूबे थे कराची का और लाहौर पिशावर का मंसूबा था, उनके ऊपर हम एग्जेम्पशन दे चुके हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर बड़ी डेंट पड़ती है पड़ेगा, हम इसकी हमायत नहीं कर सकते। लेकिन वजारत पानी बिजली बहुत कोशिश कर रही है कि किसी न किसी सूरत इस मंसूबे के ऊपर भी चीनी कंपनी को टैक्स की छूट मिल जाए। अच्छा, मुख्तलिफ शोबों के अंदर कुछ एक आध टैक्स की छूट की बात की जाती है, इस मामले के अंदर वजारत पानी बिजली ने जो ECC के अंदर समरी पेश की उसके अंदर कहा गया कि स्टैंडर्ड कारपोरेट टैक्स, उसके बाद उसका 1.525% मिनिमम इनकम टैक्स आयद होता है, उसकी 10 साल की छूट की सिफारिश की गई,
उसके बाद कहा गया कि अल्टरनेट इनकम टैक्स है 1.7%, उसकी भी 10 साल की छूट की बात की गई। उसके बाद कहा गया कि अगर चीनी कंपनी पाकिस्तानी मार्केट से कोई भी आलात खरीदना चाहती है, कोई भी खरीदारी करे, तो उसे सेल टैक्स की छूट दी जाए। उसके बाद अगर कोई मशीनरी वो इम्पोर्ट करना चाहती है तो विद होल्डिंग टैक्स की भी 10 साल तक छूट दी जाए। ये वो शरायतें थी जो FPR को किसी सूरत मंजूर नहीं थी, और FPR ने पहली मरतबा एफर्ट की और इक्तिसादी राबता कमेटी को और वजारत खजाना को इन राइटिंग भी कन्वे किया गया कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तमाम स्टेजेस के ऊपर इसको टैक्स छूट नहीं दी जा सकती। FPR के रेवेन्यू के ऊपर डेंट पड़ेगा, आलमी मालियाती इदारों को भी इसके ऊपर कंसर्न होंगे, और उसके बाद ये कंपनी जो अगर हम इसको विदहोल्डिंग टैक्स इम्पोर्ट स्टेट के ऊपर और लोकली अगर कुछ चीज़ों को खरीदारी करती है, अगर सेल टैक्स की छूट देते हैं, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं मुख्तलिफ आलात तैयार करने वाले, वो इससे बुरी तरह मुतासिर होंगे कि आपने अगर वो चीज़ अगर पाकिस्तान में मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट्स की तमीर हो रही है या हाई ट्रांसमिशन लाइन है जिसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन बिछनी है, वो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ कंपनियाँ तैयार करती हैं, अगर इसको विद होल्डिंग टैक्स की छूट दे जाती है तो चीनी कंपनियां चीन से यही तार इम्पोर्ट करेंगी, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। पहले भी कंस्ट्रक्शन के मामले में होता है। तो उससे जो लोकल इंडस्ट्री है उसे बहुत बुरा नुकसान पहुंचेगा, और पहले भी बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट के मुख्तलिफ शोबों के वो कंसर्न सामने आ चुके हैं कि CPEC की वजह से उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, वो मुतासिर हो रहे हैं, इक्वली उन्हें ट्रीट किया जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जानी चाहिए। FPR की मुखालफत के बाद ECC ने आर्जी तौर के ऊपर वजारत पानी और बिजली की यह समरी मुस्तरद कर दी है, और कहा गया है कि FPR और वजारत पानी और बिजली दोनों बैठकर इसके ऊपर कोई दरमियानी रास्ता निकालें। मतलब हुकूमत चाहती है कि टैक्स छूट हर सूरत मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो तमाम स्टेजेस के ऊपर जो इनकम टैक्स का है, विदहोल्डिंग टैक्स है, सेल टैक्स है, गालबन उसमें से किसी की शरह कम कर दी जाए, जुज़वी तौर के ऊपर रिलीफ देना चाहती है। FPR कहता है ये रिलीफ नहीं बनता। अब देखना यह कि जो दोबारा मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया, FPR किस हद तक कन्विंस होता है वज़ारत पानी और बिजली से या नहीं। राइट, पहले तो राव साहब FPR को शाबाशी देनी चाहिए कि एटलीस्ट कोई तो आवाम के हुकूक के लिए खड़ा हुआ। ये टैक्स जो है सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के लिए रह गए, बाहर के किसी के लिए नहीं है। ओबोर वन बेल्ट वन रोड तो चाइना ने करना ही करना है, उनके अंदर से एक कॉरिडोर CPEC है, बाकी 5 और कॉरिडोर्स हैं, चाइना ने इसको बनाना ही बनाना है, कुछ चाइना के अपने मुफाद के अंदर है, इसके अंदर हमें अपने मुफाद को पे कट लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये पूरी एक उसको देखने की जरूरत होती है। जब भी आप इस किस्म का कोई रिलीफ देते हैं किसी भी मुल्क को, किसी वादे के तहत देते हैं या अपनी ज़रूरत के तहत कुछ चीज़ वहाँ से मंगवाते हैं, तो उसमें ये आप देखते हैं कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है या लोकल जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर है, अगर आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो उसको देख के उसके बाद आप फैसला करते हैं कि आपने इस पर किस किस्म का टैक्स लगाना है, उसकी डंपिंग भी ना हो आपके यहाँ, टैक्स के हवाले से भी रैशनलाइजेशन हो, उसके बाद आप फैसला करते हैं। ये कि हमारे यहाँ एक जज्बा पाया जाता है कि नतायज की परवाह किए बगैर कर गुजरो, तो ये नतायज के देखे बगैर अगर आप करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। आपकी इंडस्ट्री, अपने मुल्क की इंडस्ट्री ख़राब होगी, उसका बेड़ा अगर पहले हुआ पड़ा है आप मज़ीद उसको तबाह करके रख देंगे। अगर लोकली जो चीज़ आपके पार्ट्स अवेलेबल है, आपको तो जब इस मुआहदे में आप गए थे आपको ये देख के जाना चाहिए था कि आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है। लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है उससे, अगर वो जो टावर्स बनते हैं उनके पार्ट्स जो हैं, स्टील पार्ट्स जो होते हैं वो अगर आप बना सकते हैं, अगर आप उसके कंडक्टर्स होते हैं उसमें लगते हैं वो आप बना सकते हैं, अगर जहाँ पर कनेक्टिंग होती है उसकी कुछ चीजें आप बना सकते हैं, आप केबल अगर बना सकते हैं, तो आपको सीधा सीधा कॉन्टैक्ट यही करना चाहिए था कि भाई ये हमारे यहाँ अवेलेबल है ये चीजें और आपको रीजनेबल रेट पे यहाँ से मिलेंगी, आप आके इसको एग्जीक्यूट करें प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बड़ी कम हो जानी थी ओवरऑल, फॉरेन जो उसमें होता है शेयर जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो कम होना था, आपको रीपेमेंट में आसानी होनी थी डॉलर्स की बजाय आपको रुपीस में यहाँ पे आपने लोगों को पे करना था। तो ये ओवरऑल अगर आप देख के करें तो उससे बेहतर हो सकता है। सिर्फ मोहब्बत और जज्बे की वजह से कि समुंदर से गहरी और पहाड़ से ऊँची अगर दोस्ती आपकी है तो दोनों मुल्कों को देखना चाहिए, चीन की कंपनी को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। राव साहब, जो इससे पाकिस्तान को फायदा किस में पहुंच सकता है? इससे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है जो तकरीबन 29 अरब डॉलर से ज्यादा तजावज करे, उसकी बुनियादी वजह ये, अगर गवर्नमेंट ने CPEC के आगाज से पहले कोई कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाई होती और जितने मनसूबे लग रहे थे वो जिस भी शोबे में थे, अगर उसके अंदर कुछ कंपोनेंट को पाबंद किया जाता उस कंपनी को कि आपके इसके आलात आपने पाकिस्तानी कंपनियों से खरीदने हैं, तो यकीनन ये ट्रेड डेफिसिट हमें इतना इसका सामना ना करना पड़ता, लोकल इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता और
इकोनॉमी भी हमारी स्ट्रेंथन होती, स्पेशली हमारी कंपनियों के अगर चीज़ें बनाई हुई चीज़ें जापान एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सीपेक के अंदर मुख्तलिफ जो मनसूबे बन रहे हैं उनके लिए भी हमारी कंपनियाँ मुख्तलिफ हालात तैयार कर सकती हैं। यही रोना हम इतने अरसे से रो रहे हैं, हर जो चीज़ देखते हैं उसमें कोई प्लानिंग नहीं, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई देखा नहीं जाता हमारा फ़ायदा किस में है, किस तरह हम बेहतर से बेहतर इस चीज़ को कर सकते हैं, लोकली हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल हेल्प लेके हम लोकल मिक्स करके हम किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना ज़रूर है कि अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहें तो बड़े आराम से सीपेक में दे सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तानियों को इसका खातिर ख्वाह कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्पेशली उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। यहाँ गुर्बत कम नहीं होने वाली अगर सारी चीज़ें बाहर से आएंगी, और टैक्स भी उन पर टैक्स छूट भी दे दी जाएगी। एक गरीब शख्स टैक्स देता रहेगा, गरीब शख्स की या एक गरीब नौजवान की या एक खातून की बात कर लीजिए। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आलमी बैंक इनकी बेहतरी के लिए कुछ रकम देने वाला है, क्यों देने वाला है, ज़रा सुहेल साहब ये भी इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। आलमी बैंक इसलिए ये रकम देना चाहता है कि शायद आलमी बैंक को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान की यूथ के अंदर और ख़वातीन के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मुल्क की तकदीर संवार सकते हैं, लेकिन शायद वफाकी और सूबाई हुकूमतें उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से हमारे जो कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होनी थी वो नहीं हुई और कुछ ऐसे खराबियां मौजूद हैं कि हमारी इकॉनमी रिवाइव नहीं कर पा रही। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक पैकेज अनाउंस किया गया है, $223 मिलियन तकरीबन 23 अरब रुपए हैं। इसको दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। पहले जो इसका तकरीबन $137 मिलियन है, ये रकम मुख्तस की गई है ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए और जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनके लिए मुख्तस की गई कि उनको बैंकिंग चैनल में उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें कुछ किसी हद तक एम्पावर किया जाए, उनके पास एक बैंकों से मुख्त बजाय इसके कि गवर्नमेंट जिस तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम स्कीम की थी वो कामयाब नहीं हो सकी, लोग इंडिपेंडेंटली खुद एक प्रोजेक्ट को कंसीव करें, उसका आइडिया बनाएं, फिजिबिलिटी बनाएं, उनकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बैंक से जाके कर्ज हासिल कर सके, और बैंकों के पास एक कुशन होना चाहिए ऐसे सोसाइटी के लोगों को एक सॉफ्ट कंडीशंस के ऊपर कर्ज देने के लिए। वो समझते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर ये उन्होंने प्रैक्टिस की है, बांग्लादेश के अंदर ये प्रैक्टिस की है, उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं, जब लोग खुद इम्पावर हुए हैं, अपने पाँव पे खड़े होकर उन्होंने कर्ज हासिल किए और उनके पास अपने आइडियाज़ थे, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, इकोनॉमी भी उससे स्ट्रेंथन हुई और लोगों के अंदर गुर्बत में भी कमी हुई। तो $137 मिलियन तो सिर्फ इस मकसद के लिए मुख्तस किए गए हैं कि लोग कर्ज हासिल कर सकें और मुख्तलि जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, ख़वातीन कुछ करना चाहती हैं वो कर सकें। उसके बाद कुछ रकम $137 मिलियन में से जो हमारा नेशनल सेविंग्स का हमारा शुबा है वो बहुत वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वो इतने जदीद खतूत पर इस्तवार नहीं है, वहाँ लोगों को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं कि लोग बजट की तरफ भी रागिब हों और उनकी बजट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके और ताकि उन्हें गवर्नमेंट मजीद बेहतर रिटर्न दे, कुछ रकम उसके ऊपर खर्च होगी ताकि बचत का जो हमारा नेशनल सेविंग का सिस्टम है वो बेहतर हो और लोग भी इस जानी मजीद रागिब हो सके। उसके साथ एक बड़ा जो इंसेंटिव है वो कराची के शहरियों के लिए है, $86 मिलियन वो सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए मुख्तस किए गए हैं, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक समझता है कि कराची पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वहाँ पर लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, जो डे टू डे उनको वर्किंग कंडीशंस हैं, जो सफरी सहूलियात हैं, जो सिक्योरिटी के मामले हैं, वो इंतहाई उनकी वो नाकिस हैं, लोग एक उनके अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। $86 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इस बात पर खर्च होंगे कि जो कराची के चार इलाके हैं, सदर का इलाका है, उसके साथ कुरंगी है, मलेर है, इस एरिए के अंदर वहाँ पर एक सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर बनाई जाए, लोगों को जो पेडिस्टेरियन हो या सफरी सहूलियात है वो बेहतर लोगों और इन इलाकों में सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली, सफरी सहूलियात इन इलाकों में बेहतर बनाई जाए और उसके साथ साथ इन इलाकों के अंदर जो मुख्तलिफ पब्लिक मकामात हैं, पार्क्स हैं, उनकी तज़ीन और आराइश की जाए कि लोगों को एक अच्छा एस्थेटिक सेंस के मुताबिक उन्हें एक अच्छा भी फील हो कि हम एक अच्छे बड़े शहर के अंदर रह रहे हैं, हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये रकम कराची के अंदर इन एरियाज के अंदर खर्च होगी जो कि सिंध हुकूमत को बुनियादी तौर पर खर्च करनी चाहिए, आज तक सिंध हुकूमत नहीं कर सकी। क्विकली मुझे एक बात बता दें, ये कर्जा है या फिर ये इमदादी रकम है? ये कर्ज नहीं है, कहते इसको सॉफ्ट लोन है, लेकिन इसके ऊपर मार्कअप तकरीबन ना होने के बराबर है, तकरीबन ना होने के बराबर है। बेसिकली उन्होंने ये पैकेज दिया है कि हम अपने आप अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाएं और ये किसके जरिए करवाया जाएगा, हुकूमत के जरिए? एग्जैक्ट, पैसा तो ये गवर्नमेंट को डिलीवर होगा, उसके बाद ये हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक कुछ कंपनियों को नॉमिनेट कर सकता है उनके एग्जीक्यूशन के लिए। कुछ $86 मिलियन तो सिंध गवर्नमेंट के थ्रू खर्च होंगे और $137 मिलियन वफाकी हुकूमत के तहत खर्च होंगे। ये रकम अगर प्रॉपर तरीके से जिस मकसद के लिए दी जा रही है इसके ऊपर खर्च की गई, डार साहब ने इसको बजट डेफिसिट के लिए
और ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर सर्फ करने के लिए इस्तेमाल ना किया तो यकीनन इससे बहुत बेहतरी आ सकती आम शहरी की ज़िंदगी। ये आखिरी वाला पॉइंट ही सबसे मसले वाला पॉइंट है राव साहब के सही जगह पर सही रकम और उतनी रकम जितनी मुख्तस की गई है उतनी यूज़ हो यूटिलाइज हो और साथ ही साथ ईमानदारी से यूटिलाइज हो। सबसे बड़ा मसला इधर आता है। मैं जब भट्टी साहब ये बात कर रहे थे मेरे एग्जैक्टली मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि रकम आ तो जाएगी क्या ये जो हकदार हैं जिनके लिए ये दी जा रही है उनको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा तजर्बा को बहुत अच्छा नहीं रहा इस हवाले से जिस तरह से गवर्नमेंट इन फंड्स को यूज़ करती है फॉरेक्स रिजर्व में रिफ्लेक्ट ऑब्वियसली होंगे जब वो आएंगे तो उसके बाद फिर वो इन ये मुख्तलिफ शोबों में मेट्रो इधर उधर दाएँ बाएँ करके उसको लगा देते। कराची में जो कराची की बेहतरी के लिए शहर के अपलिफ्ट कह सकते हैं हम उसको बेसिकली उसके लिए जो होगा तो हो सकता है उसको डाइवर्ट हो जाए कराची वहाँ भी साईं सरदार जो हैं सरकार जो है वो कमाल की है इन मामलात में। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है चलो हुकूमत ने पता नहीं कितना इसमें उसका कंट्रीब्यूशन होगा। आलमी बैंक ने अगर देखा बांग्लादेश की अगर हम मिसाल है वहाँ ग्रामीण बैंक के थ्रू उन्होंने किया गया उसमें यही है कि ग्रामीण बैंक एक बहुत ऑनेस्ट एंटिटी के तौर पे उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया पहले उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई वो सादक और अमीन वाला उन्होंने अपना पोस्चर बनाया उसके बाद जाके फिर वर्ल्ड बैंक ने उसको एज मॉडल लेके और उसमें इंजेक्ट की। यहाँ भी है राव साहब वो हैं कुछ लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि इस तरह तमीर बैंक मेरा ख्याल है इस शोबे में काम शायद कर रहा है वो किस किस्म का काम कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका या कर रहा था अभी शायद कमर्शियल ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया लेकिन है पाकिस्तान में नो डाउट। लेकिन एक उन्होंने मिसाल कायम की बांग्लादेश ने उसके बाद उन्होंने उसको फिर सस्टेन किया इस्टेब्लिश किया दुनिया के सामने दिखाया ये है हमारे पास चीज़ और हमने इस तरह से इसको किया उसके रिजल्ट्स नज़र आए। यहाँ पे अगर इस किस्म की कुछ चीज़ मौजूद है तामीर बैंक का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ अगर वो रिजल्ट्स मौजूद हैं खुशहाली बैंक के हवाले से भी कुछ कर रहे हैं वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो भी कर रहे हैं ये काम तो अगर और रिजल्ट दिखाते हैं कि ये इस किस्म उनके थ्रू अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो लेकिन वर्ल्ड बैंक को इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर वर्ल्ड बैंक इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो यकीन जानिए ये गवर्नमेंट अगर है साल सवा साल और तो ये इसको उस जगह पे ये खर्च नहीं होंगे जहाँ पे ये होने चाहिए और हमारा तजर्बा यही कहता है माजी का कि जितने फॉरेन एक्सचेंज में खासतौर पे जो पैसे आते हैं वो या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के लिए उसको बचा के रख लेते हैं या अपना बजट डेफिसिट कम करने के लिए या दूसरे मंसूबों में हुकूमत पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। 7 अरब रुपये की अमाउंट है और 4-5 मकासद के लिए खर्च होनी अगर वहाँ पर खर्च हो गई इन इलाकों की शक्ल भी बदल जाएगी और लोगों को ऐसी सहूलियात मिलेंगी शायद वो पिछले माजी में भी उन्हें ना मिली। अमेरिका ने प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो स्ट्रेटजी अपनाई थी ना मुशर्रफ के दौर में जब उनको पता चला करप्शन बहुत हो रही है उन्होंने खुद मंसूबे लेते थे खुद अपने ठेकेदारों के थ्रू एग्जीक्यूट करते थे खुद मॉनिटर करते। चलिए इसी तरह का कुछ करना पड़ेगा डेफिनेटली नहीं तो ये ना हो किसी कश्ती के अंदर ये भी कहीं बाहर जाने की तैयारी करने लग जाए। रकम इतना जरूर है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो जिस तरीके से प्लान किया गया। ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे शो को कंटिन्यू करेंगे। बैक ऑफ द ब्रेक नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आलमी बैंक के हवाले से कुछ आगे बढ़ते हैं और अपनी हुकूमत की बात कर लेते हैं। आलमी इदारे तो हमारी बेहतरी के लिए आ रहे हैं लेकिन हुकूमत ने टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरी के लिए एक वादा किया था टेक्सटाइल पैकेज अनाउंस किया था लेकिन अब हाल ये है कि कल सरापा एहतजाज बनने वाला है एप्टमा क्योंकि वो कह रहे हैं कि वादे किए हुए वफा नहीं हुए। क्यों सोहेल साहब निका माजरा ये है कि हुकूमत ने अनाउंस की थी जनवरी के अंदर टेक्सटाइल पॉलिसी प्लस टेक्सटाइल पैकेज 180 अरब रुपये का और ये कहा गया था आइंदा 1.5 साल 18 माह के अंदर ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलेगा और एक टारगेट था कि हम अपनी टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं उनकी बरामदात में इजाफा कर सकें। हुकूमत के पैकेज के मुताबिक 1 माह के अंदर 10 अरब रुपये का इंसेंटिव मिलना चाहिए था इंडस्ट्रियल सेक्टर को। मशीनरी की इम्पोर्ट के ऊपर कुछ छूट भी थी उसके बाद जो आप मसनूआत एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर रिबेट भी मिलना था तो 10 अरब रुपये का एक पैकेज था। चले हम कह सकते हैं कि 2-3 माह लग गए इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेकिन अब 6 माह गुजर चुके हैं इन 6 माह के दौरान जहां 60 अरब रुपये का इंसेंटिव मिलना चाहिए था पैकेज के मुताबिक वहां पर अभी तक सिर्फ 40 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिला है सिर्फ 40 करोड़ रुपये का जिसकी वजह से पूरा टेक्सटाइल सेक्टर जो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 1.5-2 साल की प्लानिंग के बाद ये पैकेज तैयार किया था लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन टोटली नाकाम हो गई है।
क्योंकि आप उस तरह से इंसेंटिव दे नहीं पा रहे जिस जो आपने पैकेज में अनाउंस किए थे, उसके साथ उनको एक और बहुत बड़ी मुश्किल का सामना आ रहा है। एक जानब आप इस इंसेंटिव नहीं दे रहे जो आपने अनाउंस किए, दूसरी जानब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों के सेल टैक्स के रिफंड है 200 अरब रुपये के, FBR वो क्लियर करने को तैयार नहीं है। पहला तो उनको ये मसला था कि रवा माली साल के अंदर उन्होंने जो रेवेन्यू को टारगेट था उसको अपनी वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उनको रोके रखा कि अगर ये रकम हमने रिलीज़ कर दी तो फिर बहुत बड़ा डेफिसिट सामने आएगा, उसको कंट्रोल कर रखें। उसके बाद उन्होंने अनाउंस की कि हम अगस्त से पहले पहले जो फाइल जिन्होंने अपने रिफंड्स फाइल किए हुए हैं अब अगस्त में क्लियर कर दिए जाएंगे जिन्होंने जून तक अपने रिफंड फाइल किए हैं। लेकिन उसके बावजूद कंपनियों को FPR के ऊपर यकीन नहीं है कि जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसके मुताबिक उन्हें रिफंड कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने जीरो रेटिंग सेक्टर का जीरो रेटिंग टैक्स ट्रायल सेक्टर को अनाउंस किया, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इनपुट और आउटपुट की जो मुख्तलिफ अशिया हैं उनके ऊपर अभी भी टैक्सेस की शरह मौजूद है, तो वो डायरेक्ट इंसेंटिव भी उनको नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनका क्लेम है कि हम आलमी मार्केट के अंदर बड़े ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे, अच्छे रेट्स नहीं मिल पा रहे, चूँकि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो कम करेंगे, और टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब से मुतालबा भी किया गया था कि आप टेक्सटाइल सेक्टर के लिए फ्लैट एक रेट मुकर्रर करें 7 रुपये फी यूनिट, वो भी मुकर्रर ताहाल नहीं किया गया। अब हम वो देख रहे हैं कि वो सेक्टर जिसे कहा जाता था गवर्नमेंट जिसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रही है, जिसके लिए टेक्सटाइल पैकेज लेके आए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट 24 आवर अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई करती रही है, गैस भी सप्लाई की जा रही है, वो टेक्सटाइल सेक्टर पहली मरतबा इतना मजबूर हो चुका है कि उन्होंने अब 20 जून को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। अब वो यौम स्याह जी एग्जैक्टली कल, अब वो गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि हम हमारे लिए काम करना कितना मुश्किल हो चुका है, जो टारगेट से वो अचीव नहीं हो पा रहे और हमारे लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल हो गया, चूँकि मुख्तलिफ बैंक से ये कंपनियाँ बोरिंग कर रही हैं, उनको सेल टैक्स रिफंड ना मिलने की वजह से बोरिंग करके अपना निज़ाम चला रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किल का सामना है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट की ही पॉलिसी की वजह से आप सुनकर हैरान होंगे कि FPR के जो इनिशियल अदाद शुमार आए हैं, अफगानिस्तान जिससे हम 2 से 2.5 अरब डॉलर की सालाना के हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स यानी हमारी बरामदात अफगानिस्तान को जो हम कर रहे थे वो 27% कम हो गई हैं, और अफगानिस्तान जो हमें अफगानिस्तान से जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 26% बढ़ गई हैं। ठीक, अच्छा और ये इतना बड़ा डेंट पड़ रहा है हमारी, वो 2.4 अरब डॉलर से कम होकर हमारी एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान को 1 अरब डॉलर तक महदूद हो गई हैं। गवर्नमेंट को वजारत तिजारत को अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से अपना एडवांटेज ईरान से हासिल कर लिए, जो हमने उनके लिए कुछ मुश्किल पैदा की, जबकि अफगानिस्तान से हमारी इंपोर्ट बढ़ गई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सही है। अच्छा राव साहब, ये एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी और इंपोर्ट की कटौती की तरफ तो लगता है हुकूमत का कोई ध्यान ही नहीं है, कहते ठीक है होता है होता रहे, हालांकि कोई वो इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेशन की बात भी की गई, बहुत सारी चीजों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी या टैक्स ज्यादा कर दिया गया, लेकिन उसका कोई खातरख्वाह फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक हमारा सेक्टर है टेक्सटाइल का सेक्टर, उसकी तरफ तो ध्यान कर लीजिए, बाकी जगह तो हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ना हलाल मार्केट कर रहे हैं, ना वैल्यू एडिशन करते हैं अपने फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर, ना बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम लोग उनको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एक टैक्स के हवाले से जो एक छूट देने की बात की थी, एक ही सेक्टर टेक्सटाइल के, उसको ही कर लीजिए पूरा। मैं 3 चीज़ें पॉइंट आउट करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत कितनी संजीदा है इस सारे मामला में। स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसके सरबराह हैं मुनीर साहब, मियाँ मुनीर साहब, CM मुनीर सॉरी। उन्होंने 118 एग्जीबिशंस किए हैं पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में मुख्तलिफ चीज़ों की प्रमोशन के लिए। खुद वो लेदर की एक्सपोर्ट करते हैं, 5 अरब डॉलर लेदर की एक्सपोर्ट कम हो गई है इस अरसे में। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये आपकी तजारती पॉलिसी जो है, 3 साल से उसके लिए 20 अरब रुपये एलोकेट हुए हैं, 2 साल गुजर गए, 1 पैसा नहीं मिला तजारती पॉलिसी के लिए, और तजारती पॉलिसी अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनुस ढागा साहब वहाँ सेक्रेटरी चले गए जो वाटर एंड पावर के थे, और वाटर एंड पावर का हम रोज़ तذکرہ करते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की उन्होंने मिसमैनेजमेंट तो नहीं कहेंगे, किस किस्म की कह लें कि एक पर्दा ताना हुआ था सामने, पता नहीं चल रहा था पीछे क्या हो रहा है, और अब खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वहाँ पर जितना था मिसगाइड, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, मिनिस्ट्री को, सारी को मिसगाइड किया जाता था उससे, और उन्होंने जाके कमाल क्या किया वहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये निकम्मे अफसर इनको फटाफट फारग करना शुरू कर दें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 58 कमर्शियल अटैचेज हैं आपके पाकिस्तान दुनिया भर में, पूरी वजारत का जितना बजट है उतना ही बजट उन कमर्शियल अटैचेज का है। ठीक है, उसकी आउटपुट आप देख ले क्या आ रही है आपकी, आपकी हर चीज़ में आप पीछे होते चले जा रहे हैं। और जो वजीर साहब हैं कुरम दस्तगीर खान साहब,
वो पिछले कुछ अरसे से मैं उनको टीवी पे सुन रहा हूँ, वो पनामा पे बड़ा प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के डिफेंस के लिए आते हैं, जिस किस्म के वो दलाइल देते हैं, जितनी कानूनी उन्होंने तालीम हासिल कर चुके हैं सारे मामलों में और जितना उनका नॉलेज हो चुका है, मेरा ख्याल है उनको कॉमर्स की बजाय लॉ मिनिस्टर बना देना चाहिए, कॉमर्स पे कोई काम का बंदा ले आए। और वो अगर जिस तरह की उनकी नॉलेज में, मैं सच्ची बात है बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनको, जिस किस्म की वो लाते हैं ना दूर की कोड़ी लॉ के हवाले से और अच्छी स्टडी है उनकी, उनको तो पनामा में वकील होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर का। अच्छी बात है, लेकिन अपनी फील्ड के अंदर बेहतरी कर ले तो अच्छी बात होगी ज्यादा, अगर क्रिकेटर कोई टीवी बात करने लग जाए तो फायदा तो कोई नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि उनका ये शोभा नहीं है, उनको पता नहीं क्यों यहाँ पे रखा हुआ उन्होंने, उनको अगर वजीर आजम के वो वकील होते सुप्रीम कोर्ट में शायद केस बेहतर होता प्राइम मिनिस्टर का, और उनको वहीं लॉ मिनिस्ट्री में भेज दें या वापस केस आना ही है तफ्तीश के बाद तो पनामा केस लड़े, यहाँ पे किसी जिम्मेदार आदमी को लगाएं जो समझता हो इन चीज़ों को, जो इस पर तवज्जो दे सके। हैंडीकैप इस तरह से अगर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड को पूछे तो वो बताते हैं जी वजारत खजाना और सारा वो कर रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है। और इनका इतना है कि इंतहाई अफसोस की बात है, चार साल गवर्नमेंट के पूरे हो गए, अब इन्हें एहसास हो कि हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, दोबारा उसको रिव्यू कर रहे हैं, 6-8 माह लगेंगे जब इनका टर्नओवर मुकम्मल हो जाएगा तो उस वक्त नई ट्रेड पॉलिसी दिसंबर में पॉसिबिलिटी है और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। चलिए उसके बाद ये होगा कि देखिए जाते जाते हमने इतनी अच्छी ट्रेड पॉलिसी दी, अब उसके ऊपर जो अमल दरामद करना है वो अगली हुकूमत का काम है। लेकिन इतना जरूर है, हैंडीक्राफ्ट की बात कर लीजिए, क्रॉकरी की बात कर लीजिए, बर्तनों की, मशीनरी की, टेक्सटाइल सेक्टर की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इवन हलाल मार्केट को अगर हम लोग चाहें एक्सप्लोर करना तो वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बेशबहा है, इस्तेमाल करना हुकूमत का काम है। अगली तरफ चलते हैं, जरा हुकूमत की बात करते हैं तो सिंध हुकूमत की भी बात कर लेते हैं, वो क्या इस्तेमाल करने की तरफ आ रहे हैं। वो इस्तेमाल करने की तरफ आ रहे हैं एक से बढ़ के एक चमकती दमकती लग्जरी गाड़ियां, और साई सरकार तो आपको वैसे ही पता है कि कितने शौकीन हैं इन चीजों के। सिंध असेंबली के बाहर खड़े हो जाए तो सोहेल साहब अंदाजा होता है कि कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। और राव साहब आपने तो डेफिनेटली आप कराची गए, आपने देखा होगा कि सिंध असेंबली के बाहर सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स वहीं नजर आती हैं। बल्दियाती इदारों को बेशक अथॉरिटी दे ना दे, काम करने दे ना दे, गाड़ियां जरूर देंगे। मुझे तो ये जो मैंने पढ़ा जब, तो मुझे लगा कि सिंध में कोई दूध शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे कोई दरख्तों पे पैसे लगने शुरू हो गए हैं, वाफर रकम आ गई है वहाँ पे बहुत ही, और सेहत के शोबे में बहुत ही कमाल तरक्की हो गई है, वहाँ पे मरीज भी शायद कोई नहीं बचा, बिजली और पानी वाफर है वहाँ पे, लोग मज़े कर रहे हैं वहाँ पे, शीशे की सड़कें बन गई हैं वहाँ पे। और अब ये बेचारे जो हुक्मरान थे उनको ख्याल आया कि चले हम भी को थोड़ा सा, इतनी जब वाफर हो गई है रकम तो हमें भी थोड़ा सा कुछ उसमें से फ़ायदा उठाना चाहिए और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इस चीज़ों के लिए जगह देनी चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए इन चीज़ों पे। आप देखें घर नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, वो वाली मिसाल है, आपके पास पैसे हैं नहीं, आप बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आप लोगों की सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से उनको आप, लॉ एंड ऑर्डर है, सफाई का मसला है, सिंध के हमने समुंदर की बात की किस तरह से समुंदर लैंड रोयन कर रहा है, किस तरह से वहाँ पे तबाही फिर रही है, तो आप एक चीज़ तो आप ठीक कर नहीं पा रहे और आपको सूझी है कि जी गाड़ियाँ ले लें चले इस तरीके से। और ये नॉर्मली हमारे यहाँ होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई गवर्नमेंट हो, वो सबसे पहले उनका काम ये होता है कि जी बजट आ गया अब इसमें से नई गाड़ियाँ किस तरह से ली जाएंगी, उसके लिए वो बहुत से बहाने भी आपको तराशेंगे, उसके लिए बहुत से कहले बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे, कोई मनसूबे इस किस्म के जिसमें गाड़ियाँ होंगी। अच्छा मज़े की बात यह कि ये नहीं है कि अगर प्राइम चीफ मिनिस्टर के लिए गाड़ी ली गई है या मिनिस्टर के लिए गाड़ी ली गई है या किसी अहदेदार के लिए गाड़ी ली गई है, उस पर बस नहीं होती, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी बाद में देखते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियाँ कहाँ पे हैं, वो भी मंगवा ली जाती हैं उस अपने पूल में डालने के लिए। अभी इदारों के लिए भी 24 करोड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं राव साहब जी, वो इसी तरह यूज होंगी ना, वो किसी और तरह से वाया बठिंडा भी लेते हैं, ये डायरेक्ट कुछ खरीदते हैं, कुछ वाया बठिंडा आती हैं। ऐसे इकबाल साहब का हमने किया था, बलोचिस्तान का कोई एक मंसूबा था उसकी, वो लैंड क्रूजर यहाँ पे यूज़ करते रहे, उनके ऊपर कोई 68 लाख की मेरे ख्याल रिकवरी भी है उन पर पड़ी, ऑडिट रिपोर्ट उस पर आई है। तो ये कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ लोगों के लिए भी कुछ कर लें, अपने लिए तो ये हमेशा ही करते रहते हैं आप। ये अच्छा, ये सारे लोग वो हैं, इवन बल्दियात में भी मोस्टली, शायद छोटे लेवल पर कौंसिल यूनियन कौंसिल में हों, गरीब हों, मोस्टली वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास लग्जरी गाड़ी नहीं होगी, बल्कि फ्लीट होगा लग्जरी गाड़ियों का। इसके बावजूद ये सरकारी खर्चे, आप पेट्रोल ले लें भाई सरकारी खर्चे से, उसकी मेंटेनेंस ले लें, आप कहें जी हम अपनी गाड़ियाँ यूज़ करेंगे, मेरे पास लैंड क्रूजर भी है, मेरे पास मर्सिडीज भी है, मेरे पास BMW भी है, आप, मैं अपनी गाड़ी यूज़ करूँगा, थोड़ा सा आप भी कुर्बानी दे दें, लोगों की आपने गर्दन पर छुरी फेरनी होती है। अच्छा सोहेल साहब, चलिए गाड़ियाँ एक तरफ है, अब ये गाड़ी का कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो मुझे याद है कायम अली शाह साहब कहीं जा रहे थे तो उनकी गाड़ी की विंडस्क्रीन जरा डैमेज हो गई थी, लाखों रुपए उसका खर्चा, लाखों रुपए
गरीब का सालाना खर्चा नहीं होता जो इनकी गाड़ी पे एक दिन में पड़ जाता है। अनिका आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की अंदर ना वहाँ पे एक तरीके की वारदात थी। अब इनका टाइम कंप्लीट होने वाला है और मुराद अर्शा साहब कह भी रहेंगे शायद हम टाइम मुकर्रर वक्त से पहले असेंबली तहलील भी हो जाए। जब गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी मुदत पूरी की थी उस वक्त भी जो मुस्लिम वज़रा के पास गाड़ियाँ मौजूद थी उसमें से तकरीबन 24 से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी थी जिनकी मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। जब गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी मुदत पूरी की तो मुख्तलिफ वज़रा वो गाड़ियाँ घर ले गए, आज तक वो गाड़ियाँ रिकवर नहीं हुई। मीडिया के अंदर ये मामला आया लेकिन बात वाइनशाह इन्होंने कर दी, हाँ देख रहे हैं तहकीकात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो गाड़ियाँ रिकवर करवाई जाएँ, कौन से वज़रा थे जो गाड़ियाँ घर लेके गए थे। अच्छा अब दोबारा इनका टाइम मुकम्मल होने जा रहा है, ये नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, उसके बाद जब इनकी असम्बली की मुदत पूरी होगी तो पता चलेगा इन जो 60 नई गाड़ियाँ खरीद रही हैं उसमें से पता चलेगा 20 से 25 गाड़ियाँ फिर गायब हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ ये उनको फैसिलिटेट उन लोगों के प्लान को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने नई गाड़ियों पे नजर रखी हुई है। बल्दियाती इदारों को बेबस किया हुआ है, कोई काम नहीं करने दे रहे, उनके लिए 24 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, काम करें ना करें गाड़ी उन्हें गाड़ियों पर लगा दे, नई गाड़ियों में घूमे, काम उन्हें ना करने दे। तो यही 24 करोड़ रुपए आप कुछ और मजीद फंड्स उन्हें दे दें ताकि वो कराची के अंदर कुछ काम करें। उन बेचारों का नाम इस्तेमाल हो रहा है निका, ये गाड़ियां मैंने जैसे कहा ये गाड़ियां आनी वाय बठिंडा जा रही हैं। हां बिल्कुल। अच्छा राव साहब, लेकिन पहले कभी तरीका वारदात ये भी रहा कि इस्लामाबाद आए वापस जाने की सिंध के अंदर तो बोला जी गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी कहाँ गई, चोरी हुई नहीं हुई ये किसी को पता नहीं, ये भी एक तरीका था। बहुत से एक थोड़ा है, बहुत से तरीका है वारदात है इस तरह से करके, ये नॉर्मल है इनके लिए क्योंकि ये कोई आप कह लें कि उस तरह के लोग नहीं है जिनको ये दर्द हो गरीब का, मुल्क का पैसा, सरकारी पैसा है, गाड़ियों को रखना किस तरह से, गाड़ियों को चलाना किस तरह से, गाड़ियों को इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर सरकारी खर्चे से आपने ले ही ली है, आपको एक सहूलत मिली हुई है तो उसको किस तरह से करना है, वो हर उल्टे सीधे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं उनको। मेरा ख्याल बहुत से क्राइम के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। कराची में तो वो पुलिस की गाड़ियाँ जाती थी, क्या उसका स्पेशल एक टर्म यूज करते थे, वो देते थे 5 घंटे के लिए, डाकू लेके जाते थे उसमें डकैती करके वापस आके फिर वापस कर देते थे, वो बकायदा किराए पे चलती थी गाड़ियां पुलिस की डकैती के लिए इस्तेमाल जो होती थी। और ये तो क्रिमिनल माइंड एक कहले है जो इस तरह से सारे इन चीज़ों को मिस यूज करता है। ये एक बड़ा आलमी है, सिर्फ ये नहीं, हम वहाँ के वफाकी वज़रा और दीगर सूबों के जो वज़रा हैं हर वज़रा के पास चंद को निकाल दें, हर किसी के पास 4 से 5 गाड़ियाँ इस वक्त भी उनकी तहवील के अंदर हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की गाड़ी होती है, वजारतों की होती है, वो उनके घर में फैमिली के पास ज़ेरे इस्तेमाल होती हैं और अब नई गाड़ियों के नाम के ऊपर मजीद गाड़ियाँ खरीदने का सिलसिला शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन है सिंध की। अफसोस की बात यह है कि वो सड़कें जिनके ऊपर ये गाड़ियाँ चलनी है वो इन गाड़ियों को इनके गाड़ियों का लोड बेयर करने के लिए के काबिल भी नहीं है। लाड़काना में चले जाइए, घड़ी खुदाबख्श की तरफ चले जाइए, थर में चले जाइए, इवन कराची शहर के मिड में देख लीजिए तो सड़कों का यह हाल नहीं कि वहाँ बड़ी गाड़ियाँ चल भी पाएँ। तो पहले गाड़ियों से पहले सड़कों का हाल ही चलिए ठीक कर लीजिए, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सड़कें हों या दूसरे प्रोजेक्ट्स हों, IMF से कर्जा लिया जाता है, आलमी इदारों से कर्जा लिया जाता है, बट हुकूमत कर्जे के बारे में बहुत सारे सच छुपा जाती है। अब कौन सा सच छुपा है? IMF ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खोल कर सामने रख दी है। सुहेल साहब, अनिका IMF ने लेटेस्ट जो रिव्यू किया है Article 4 के तहत पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन का, वो इतना दिल दहला देने वाला है कि हमें एक तो गवर्नमेंट की जानिब से जो अदाद व शुमार बताए जाते हैं, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जब मीडिया ने भी सवाल जवाब करते हैं, अगर एक वजारत ख़जाना की जानिब से या वजीर ख़जाना की जानिब से जो स्टेटमेंट दी जाती है पूरी कौम उसके ऊपर एतबार करती है। और बाकी जो मुख्तलिफ आपके इदारे होते हैं जो आपकी इकॉनमी को मोनिटर कर रहे होते हैं वो भी उन्हीं फिगर्स को लेकर अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ उसके मुताबिक अपनी प्रोजेक्शन करती हैं। लेकिन यहाँ पर IMF ने जो अब रिपोर्ट जारी की है, पहली बात तो उन्होंने कर्जों के हवाले से जो हमारी हुकूमती दावे थे उन सारे दावों को उन्होंने गलत करार दे दिया है। सही इशू क्या है, दुनिया भर के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक टैक्स हासिल करते हैं, जो कर्ज हासिल करते हैं उनकी GDP के साथ एक स्टैंडर्ड है कि आपकी GDP के साथ जो उसकी रेशियो है वो 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी मौशियत सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ रही हो और आप वो कर्ज वापस भी कर सकें। हमारे यहाँ मौजूदा गवर्नमेंट हुकूमत ने जो ट्रिलियन रुपीज़ के कर्जे लिए वो रेशो जो 60% होनी चाहिए थी वो 66.6% हो चुकी है। ये जब हमारे मुल्क की माहरीन कहते थे तो डार साहब ने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं ये रेशो 59.1% है ना कि 66.1%। IMF ने जो अब रिलीज़ की है पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक आउटलुक को, उन्होंने इस बात को वाजे कर दिया है कि हमारी GDP to डेट रेशो है वो 66.6% हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारी वजारत खजाना कहती है कि जो हुकूमती कर्जे हैं वो 18.9 ट्रिलियन रुपए हैं। IMF ने कहा है बिल्कुल नहीं,
अब IMF जो बात करते हैं ना, वो वजारत खजाना के जो दस्तावेजात उनको जमा करवाई जाती हैं स्टैम्प करके, उनकी बुनियाद के ऊपर वो बात करते हैं। हमें तो सिर्फ बयान दे दिया जाता है ना, स्टेटमेंट होती है। IMF अजम्पशन की बेस के ऊपर ये फिगर जारी नहीं करता, गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर बात की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमती कर्जे 18.9 trillion रुपए नहीं बल्कि 21.2 trillion रुपए हैं, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इस रेशियो को कम करना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट तो और मजीद कर लेने की तैयारी किए बैठी है। इसके साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है, वो उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के साथ IMF का जो प्रोग्राम चल रहा था, जो गुज़श्ता साल ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जो $6 अरब कर्ज लेके मुल्की मौशियत की थोड़ा ट्रैक पर चढ़ाया था, कुछ सूरत हाल बेहतर बनाई थी, अब गुज़श्ता 8 से 9 महीनों के अंदर जो हुकूमती पॉलिसी जा रही है और जिस तरीके से गैर ज़रूरी अखराजात किए जा रहे हैं, जिस तरीके से गर्दिशी कर्जे ने दोबारा से पैदा हो गया है, सरकारी कारपोरेशंस के अंदर अरबों रुपए का ज़ियार है, उन्होंने वार्निंग दी है कि 4 साल के दौरान जो आपने बेहतरी का सफ़र तय किया था, वो सफ़र आपका रिवर्स गियर लगने वाला है, आपकी सारी एफर्ट के ऊपर पानी फिरने वाला है। हुकूमत मुस्तहकम पॉलिसी बनाए, गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, गर्दिशी कर्जे को सॉलिड तरीके के साथ ख़त्म करे, अदरवाइज पहले से भी सूरत हाल बदतर हो जाएगी। राव साहब, मुस्तहकम पॉलिसी बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं सुहेल साहब, लेकिन चलिए जरा ये 66.6% की तरफ जाते हैं, जिसके बारे में सुहेल साहब कह रहे थे कि जी डार साहब ने ये बोला कि 59.1% है अभी। चलिए 59.1% भी मान लेते हैं, आपकी बात भी मान लेते हैं, जो आप गलत साबित हो गई, उसके ऊपर भी सीलिंग तक पहुंचने की क्या जरूरत है? 60% तो मैक्सिमम है ना, उससे नीचे रहना चाहिए, तब तक भी सीलिंग पर पहुंचने की क्या जरूरत है? देखिए, ये जाहिर करती है हुकूमत की सिंसियरिटी अपने मुल्क के साथ और अपने आवाम के साथ। अब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हर आए दिन आप एक नया झूठ करके सुना देते हैं, इकॉनमी के हवाले से किसी रिसाले में खबर छुपा के आप कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त इकॉनमी आपकी होगी। दूसरा, मुझे IMF ये बैनुल अक्वामी जो इदारे हैं जितने भी हैं जो फंडिंग करते हैं, उन पर भी इंतहाई अफसोस है, वो सियासी बुनियादों पर गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते रहते हैं और गलत किस्म की उनको रेटिंग्स देते रहते हैं, उसके बाद जब देखते हैं कि अब सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई, थोड़ा सा सच फिर बोल देते हैं। अब ये पूरा सच नहीं बोला IMF ने, अगर IMF पूरा सच बोले तो आपको पता चलेगा आपकी इकॉनमी जो कहते हैं शैम्बल्स इन शैम्बल्स, सही मानों में इस वक्त बिल्कुल गर्दाब में है, ये दलदल में धंसती चली जा रही है और किसी को एहसास नहीं है इस बात का। ये बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि आप जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं, ख़तरनाक हद तक आप जो कर्ज की रेशियो है वो होती जा रही है। अगर तो आपका सर्विसेज सेक्टर बड़ा परफॉर्म कर रहा है, आपका ज़रूरी सेक्टर बड़ा परफॉर्म कर रहा है, सनती सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, एक्सपोर्ट बड़ी एक्स्ट्राऑर्डनरी आपकी हो गई है, तो फिर तो इतनी ये तशवीश की बात, तशवीश की फिर भी होगी लेकिन इतनी, लेकिन आपका तो कोई सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहा, उसके बाद आप लोन की ये रेशो जब हो जाएगी तो रीपे आप किस तरह करेंगे? ये तो चले जाएँगे, ये इनको ये भेज दिए जाएंगे या चले जाएँगे जिस तरह से भी होगा, लेकिन उसके बाद भुगतना किसने है? हम बार बार ये कहते हैं लोगों ने भुगतना है, आवाम ने भुगतना है, या अगली गवर्नमेंट जो भी होती है उसने इसको भुगतना है। IMF ने ये भी बात मैंने बारहा की है कि ये IMF वापस आएगा, आप दोबारा उससे कर्ज लेंगे, अब ये इंडिकेशन है इस बात की। IMF ने ये जो शोशा छोड़ा है ना अभी, थोड़ा सा सच जो बोला है वो बुनियादी तौर पे इनको ये बताया है कि भाईजान वापस आ जाएं और लोन ले लें, इन मामलों को ठीक करने की कोशिश करें। IMF को पता है, वर्ल्ड बैंक को पता है, इतने अरसे से वो फंडिंग कर रहे हैं। एक हमने 10 साल प्रोजेक्ट का जिक्र किया था जो इन्होंने वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के साथ में FPR की रिस्ट्रक्चरिंग और उसकी बेहतरी के लिए किया था, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए किया था, 0 रिजल्ट निकला उसका, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर लगे हैं, अभी आप पैसे दिए हैं उसका रिजल्ट नहीं, अब पता है IMF को इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, ना निकलेगा, आगे जो देंगे उसका भी नहीं निकलेगा, इसके बावजूद वो पोलिटिकल वजूहत की बिना पे इनको थोड़ा सा पुश दे देते हैं, उसके बाद ये उस पर बगले बजाने शुरू कर देते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, बजट के अराउंड ये चीज़ें ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। अब आप जून के बाद आप देखिएगा क्या आपका असर होता है इकॉनमी का, जिस तरफ आप जा रहे हैं ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स किधर गए, वो किफायत शारी के दावे किधर गए कि खर्चा कम करके प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी है, वो तमाम के तमाम दावे धरे के धरे नजर आ रहे हैं, इसी वजह से ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है और रिटर्न हमारा जो है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रीजन या खिते के अंदर अमन व अमान हो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह आ गया कि कतर और सऊदी अरब का तनाजा बढ़ता चला जा रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर और प्रॉब्लम्स खड़े होते जा रहे हैं। कुवैत ने सालिस बनने की कोशिश की है, लेकिन कुवैत को भी फहरिस्त नहीं थमाई गई मुतालबात की, क्या आखिर सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, बहरीन मुतालबात क्या हैं उनके कतर से? देखिए, सऊदी अरब ने खत्ते के अंदर खास तौर पे सारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं उसमें जिस किस्म की खर्जा पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है उससे लग ये रहा है कि वो ये सोच रहा है कि हम तो डूबे हैं, असल हम तुमको भी ले डूबेंगे।
उसको एक बड़ा मुल्क होने के नाते खित्ते में और बड़ा बाअसर मुल्क होने के नाते हर लिहाज से मुस्लिम ममालिक के अंदर उसको एक बड़ा जिम्मेदाराना रोल उसका बनता है, उसको स्टेबल करना चाहिए खित्ते को, और खित्ते में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है भी उसको लीड रोल उस पर प्ले करना चाहिए, रहनुमाई करनी चाहिए, बल्कि लीड करना चाहिए मामलात को बेहतर करने के लिए। जाइए कि वो खुद रूठ के बैठ गया कतर के साथ, एक छोटा सा मुल्क है उसके साथ लड़ाई करके बैठ गया। अब इस बुनियाद के ऊपर अगर आप सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, इस लेवल पर ले जाएंगे, तो दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अगर हम पाकिस्तान के जिक्र करें, पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन है बुनियादी तौर के ऊपर किस लेवल की है, उसमें भी इस तरह से नहीं हुआ। आपके अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान की, और इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जिस तरह से कन्फ्लिक्ट चलती है उसमें तो नहीं हुआ। चीन और सर्द जंग चलती रही, रूस की अमेरिका की, चीन और अमेरिका की सर्द जंग चलती रही, उसमें तो कभी ये इस लेवल तक सूरत हाल नहीं गई। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा एक रुक के ज़रा थोड़ी देर ठंडे दिमाग के साथ इसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए इसको। लोग अगर ऑफर कर रहे हैं, एक रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने रिजर्वेशंस भी तो बताएं ना कि आपको क्या रिजर्वेशंस है। आप वो भी नहीं बताने को तैयार और कह रहे हैं कि नहीं बस कतर ये कर रहा है और कतर वो कर रहा है, एक बयान दिए जा रहे हैं मुसलसल और उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो वो कर रहा है वो है क्या और उससे खराबी क्या पैदा हो रही है। तो इस तरह से मामला ये ठीक नहीं होंगे। ये अगर जिद की बात है तो उसमें तो कोई हल नहीं होगा। एक बड़े मुल्क के नाते उनको बड़ा होके सऊदी अरब को इस मामले को हल करना चाहिए और इसका हल निकल सकता है। सऊदी अरब अगर चाहे तो 2 मिनट में निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ मुश्किल से अरब स्प्रिंग से बाहर निकलने लगे थे, मुश्किल से मिडिल ईस्ट के कुछ हालात बेहतर होने लगे थे, सवाए कुछ ममालिक के। अभी सीरिया और यमन का हाल बहुत बुरा है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए था सोहेल साहब, इंस्टेड ऑफ ये कि एक नया मसला खड़ा कर लें। एक प्याली के अंदर तूफान तो नहीं है ये? अनिकत, प्याली के अंदर तूफान तो नहीं है, लेकिन हकीकत में भी ये तूफान की रूप धार सकता है ये सारा तनाज़ा। सऊदी अरब किसी सूरत इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि कतर अपने जो रवाबित है वो ईरान के साथ इस्तवार रखे और उनको मज़ीद मुस्तहकम करे, जबकि कतर हम देखते हैं कि वो मौशी लिहाज से और उसके मुख्तलिफ जो फ्यूचर के उसके जो टारगेट्स हैं वो ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, और जो स्पेशली जिस बेस के ऊपर उसकी इकॉनमी खड़ी है वो ईरान और कतर की मुश्तरक, वो उसके ऊपर दोनों काम कर रहे हैं। वो गैस की मार्केट है, वो गैस की जिन जगह से जिस एरिया से प्रोडक्शन हो रही है वो दोनों उसको मुश्तरक तौर पर चला रहे हैं। सही। और पिछले कुछ माह से स्पेशली जब ईरान के इंतखाबात हुए थे, सदारती इंतखाबात, वहाँ पर जब इंतखाबात हुए, नए सदर का इंतखाब हुआ, तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर के ऊपर मुबारकबाद भी दी। तो कतर अपने तल्लुकात कंटिन्यूसली मुस्तहकम कर रहा है ईरान के साथ। सऊदी अरब को ये किसी सूरत मंजूर नहीं है, वो चाहता है कि कतर अपने आप को ईरान से अलग करे, और कतर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि जो हम जो टर्म शीट की बात कर रहे हैं कि बड़ी टर्म शीट सामने क्यों नहीं आ पाती, वो यही वजह है कि एक ऐसा वजह है कि जिसको सऊदी अरब ये चाहता है कि जो उसका अपना जो उसकी अथॉरिटी है वो कायम रहे, जो डिक्टेशन सऊदी अरब की तरफ से जारी हो कतर उसको अडॉप्ट करे, जबकि अब कतर ने भी अल्टरनेट सॉल्यूशन पर काम शुरू कर दिया है। वो अपने आप को इकोनॉमिकली और जो जिन चीज़ों के ऊपर वो रिलाई कर रहे थे सऊदी अरब के ऊपर, वो उससे इन्हिसार ख़त्म करके मुख्तलिफ ममालिक के साथ उस अपने इन्हिसार को डेवलप कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को रिव्यू करना पड़ेगा कि कुवैत, पाकिस्तान, तुर्की जो कोशिश कर रहे हैं दरमियानी रास्ते इख्तियार करके कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर गामजन करते हुए, कतर इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी सॉवरेंटी को तस्लीम करते हुए बात को मान लिया जाए। अदरवाइज ये खलीज ममालिक के लिए, सऊदी अरब के लिए और मुस्लिम ममालिक के लिए सबसे ज्यादा ये डैमेजिंग होगा ये बात, अगर ये तनाजा तवालत इख्तियार करता है। डेफिनेटली सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना जरूर है कि मैं ना मानूं कि रट को खत्म करना होगा, ताकि एक जो हमारा एक गलत इमेज था, एक टेररिज्म के हवाले से इमेज है जो धब्बा लगा हुआ है मुसलमानों के ऊपर, इसको धोने के लिए एक बार फिर मुत्तहिद हो। ये मुत्तहिद होते होते एक अजीब सी अफरा तफरी का मंजर क्यों पेश आने लग गया, क्यों ऐसी चीज़ हो गई, ये सऊदी अरब को भी सोचना पड़ेगा डेफिनेटली। और मुतालबात की लिस्ट दें फेरिस पर थमाए ताकि कतर उसके ऊपर काम भी कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। सुना सर।